सारी जिंदगी आएगी बारात, हो जिंदगी आएगी बारात, हो जिंदगी आएगी बारात, जिंदगी आएगी बारात। अब तो जल्दी कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। जो पाटिया बकवास बंद करो। चल तू शुरू कर। जो पाटिया तुझे पता है मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। बाजी स्कूटर के दो पहिए होते हैं। तुम दोनों स्कूटर हो क्या? अबे फटफटी स्कूटर, अपने मुंह का फाटक बंद रख तू। ओ बाजी दोपहर दोपहर की लड़न रहे हो? दोपहर दोपहर। ओ बाजी जिस तरह सुबह सुबह होता है उस तरह दोपहर दोपहर। अरे ये है कामचोर निकम्मे कही के। या मेरा प्रागुल फार्म जिंगा लाला टेलर से ना मेरे जाकर कपड़े ला दे। ये ला के नहीं दे रहे। अरे भाई इतना दूरे कोई काम, उड़ते उड़ते थक जाता हूँ मैं। बाजी इस जबाटा पहलवान को तुम वहाँ ढूंढ रहे लोग हर एक का उधार लेके आए हुए हैं। हाय हाय तोबा तोबा, तूने मुझे बताया कि नहीं? किसका उधार? वो जो उल्लू चुड़ैल है ना, उससे तेरे लिए 6 किलो मेकअप का सामान लेकर आए, वो भी उधार। अरे भाई भयानक चेहरे को छुपाने के लिए मेकअप तो करना पड़ता है ना भाई, डेंट पेंट भी लगेगा। हेलो मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, ये तो कुदरती हुसन कूट कूट के भरा हुआ है। कुदरती हुसन तो देखो दिन में 2 दफा शेव बना दिए। चुप कर, दांत अंदर कर। बाजी मेरे दांत तो पहले ही अंदर हैं। इनका चेहरा गौर से देखा तुमने? लगता है लेडीज पार्लर से फेशियल कराते हैं रोजाना। बेकार में बहस कर रही हो। अबे गुलफाम को भेज दो कोई काफ में। तुम क्यों नहीं जाते निकम्मे? 100 साल से मेरे को काफ में कपड़े पड़े हुए। मैं चले जाता हूँ बाजी, लेकिन इकट्ठी लिस्ट बना लो मेरी प्यारी बाजी। जे कोई हसीन मुटियार आवे तो मैं फौरन दसना, उड़ते आवांगा। ठीक है पहले उड़ते हुए जाओ कोका, उत्ते की करना मैं सब तुझे बताती। दोनों बहन भाइयों ने जीना हराम कर दिया, आजादी छीन ली है मेरी कमबख्तों ने। आइए 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 आइए, आप जल्दी आइए। देखिए कितना शानदार, कितनी गुंजाइश है इस घर के अंदर। अरे हमें कौन सा टैंकर खड़ा करना है, बस ठीक है, बहुत अच्छा है। भाई जब बहुत अच्छा है तो बस डन करें। ये बताइए यहाँ पे कोई ऐसा गोसाए तन्हाई है जहाँ हम तशरीफ फरमा कर तखय्युल में किसी को याद कर सके? गोसाए दुनिया तखय्युल, मैं कुछ समझा नहीं भाई। अरे 30 साल हो गए मैं नहीं समझ सकी तो तुम क्या खाक समझोगे? अरे जुबैदा बेगम, जुबैदा बेगम, आप जरा अच्छी अच्छी गुफ्तगू से काम लीजिए और ये देखिए कि हम एक अजनबी से तकल्लुम फरमा रहे हैं। क्या 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 करवा रहे हैं बताएंगे मुझे? कुछ दिमाग खराब करवा रहे हैं। अरे इनकी गाड़ी उर्दू की वजह से तो इन पे मक्खियां भी नहीं बैठती, खामखा वो भी सोचती है कि क्या बकवास कर रहे हैं। देखिए उर्दू इंतहाई सुस्ता और शाइस्ता जुबान है, ये इतनी मीठी जुबान है, इतनी मीठी जुबान है कि आप 2 घंटे इसको मुसलसल बोलिए आपको शुगर हो जाएगी। भाई काम की बात ये है कि मकान आपको कैसा लगा, बस डन करें। तुमने मकान हमें क्या खींच के मारे? जो पूछ रहे हो कि कैसा लगा? ओ भाई ये दर्सो तदरीस से बहुत कोसों दूर है, ये औरत जाहिल औरत है। चलिए फिर एडवांस हो जाए पर डन करें। राजा भी निकालिए एडवांस। अरे यार एडवांस तो आपको देना है ना, मैं मकान आप किराए पे ले रहे हैं, मैं थोड़ी। अरे भाई इनको छोड़िए, मैं एडवांस देती हूँ आपको। अरे जबरदस्त, आइए फिर अंदर आइए आइए। चलिए जी काफी सुकून है इस घर में, मुझे लगता है मुझे बड़े खुलखला के ख्याल आएंगे। अरे वाह जबड़ा, ओ जबड़ा, क्या हो गया सत्यानाशी? इन्होंने फिर मकान किराए से चाड़ देता ही। उतार दूं क्या? कुछ करो, वो इंसानी जोड़ा आ गया हमें तंग करने के लिए। जब तक तेरे कोई काफ से जोड़े नहीं आते इंसानी जोड़ा पहन ले। ओ कमबख्त जिन्नात जोड़ा, मतलब ये कि मियां बीवी। अच्छा मियां बीवी है, बीवी जवान है क्या? इसका मतलब है कि अगर जवान हो तो तुम बीवी पे लाइन मारोगे ना? नहीं नहीं, ये तेरा जो बावला भाई है ना वो मारेगा लाइन, उसने आज तक किसी को छोड़ा है? किसी से उसने घर जोड़ा, हर कुड़ी ने उसका दिल तोड़ा। शुगर करो मुंह नहीं तोड़ा, ये इंसान के बच्चे ना बड़ी खतरनाक होते हैं। ओ इंसानों पे मजाकरात बंद करो, ये बताओ कि उनको नसाना कैसे है? किसको? गुलफाम को, लड़कियों को? और नहीं हो बुढ़ा बुढ़ी को जो इस कार में रहने आए हैं। बुढ़ा बुढ़ी बेचारे क्या तंग करेंगे, कोने में पड़े रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है? हाँ वैसे तुम्हारी गल तो ठीक है, बुढ़ा बुढ़ी तंग करने वाले नहीं लगे। पड़ा रहने दो उनको, दबा कराओ, मेरे लिए दूध पत्ती की चाय बना के लिया जानू। बिल्ली के दूध की लिया चलेगा, अच्छा फ्लेवर होता है। ले लो मैं भी चला। अरे वाह 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 वाह, क्या आमद हुई है बेगम, ये देखो सुनो
मैं किसी जुर्म का असीर नहीं, मेरे किरदार की नजीर नहीं। क्यों झिझकती है मुझसे मिलने से, मैं कोई साबिका वजीर नहीं। वाह 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 भाई वाह, सदके जाऊं मैं आपके, कमाल करती हैं आप भाई। बस जौकी की इंतहा है, आज तक आपने कभी मेरे किसी शेर पे नहीं कहा कि मकर्रर मकर्रर मकर्रर। अरे बंद करो अपनी ये टर्टर, हमें ये फजूल किस्म की शायरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमको तो हम भी पसंद नहीं है, तुम हमें भी फजूल ही कह दो। तुम तो फजूल जलूल और सब कुछ हो, मगर खुदा के लिए हमारे कान मत खाओ। गोया कान ना हुए कोई फल हो गए कि कान ना खाओ फल ना खाओ। तुम तो फल वैसे भी नहीं खाते, और फल देखकर तो ऐसे तुम हो जाते हो जैसे बिजली का बिल 10,000 रुपए का आ गया हो। देखो तुम्हारा बेगम, बिल का नाम मत लो, बिल तो इतना आ जाता है कि हम बिल बिला जाते हैं। अरे भाई मेरा दिमाग पिलपिलाना करो बस। लो दिमाग ना हुआ आम हो गया, पिलपिला किया और खा लिया, बस एक शेर सुन लो। ना भाई, हम ना शेर सुनेंगे और ना चीता। और सुन लो पुराना पपीता, आखिर हम किसको सुनाएं? आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को सुनाइए, लेकिन हमारा दिमाग ना खाइए, समझ आ गई आपको? हर वक्त तोबा। लो जी अब क्या करें। हाँ ऐसा करते हैं कि नई शायरी कर लेते हैं। ओ, ओ, ओ भाई कौन हो भाई, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? हाँ ये हमारा घर है। अबे मैं नजर आ रहा हूँ तुझे चूचे। जाहिर है तभी तो आपको रोक कर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और आप हमें ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा घर है। हाँ तो हम भी रहते हैं। अगर रहते हैं ना तो शौक से रहिए, मगर उस कमरे की तरफ कदम रंजा मत फरमाइएगा, वहाँ हमारी बेगम जो है वो खिलूड़ा फरमा रही है। क्या अबे किसको लूला कर रही है, मैं समझा नहीं। आप इस वक्त समझना समझाना छोड़ो, शेर सुन लो। आप शायर हैं? क्यों तुम भी शायर हो क्या? अबे नहीं भाई। तो फिर सामे हो ना, तो सुनो। अर्ज किया है, दिल की बातें बताना अच्छा लगता है, दिल की बातें बताना अच्छा लगता है, लड़की को डेट में लेके जाना अच्छा लगता है। शादी से पहले बजे हैं दिल में MP3 सॉन्ग, शादी से पहले दिल में बजे हैं MP3 सॉन्ग, बाद में सिर्फ कॉमिक कराना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, सही अक्कासी की है शादीशुदा बंदे की। तो वह आप भी शादीशुदा हैं? एक अभी शादीशुदा, अब तो खत्म शुदा है। भाई वाह, क्या कहने आपके, आपकी और हमारी खूब जमेगी। जो भाई हम डीप फ्रीजर में मिलेंगे। भाई अभी घूम रहे, बस इस बात में एक और सुनिए। अर्ज किया है, मैंने कहा दिलरुबा, उसने कहा शॉपिंग करा, मैंने कहा पैसे नहीं, उसने कहा कैसे नहीं, मैंने कहा महंगाई है, बोली आज से तू मेरा भाई है। वाह 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 वाह, इस शेर में आपकी जवानी की ठरक जो है बड़ी नुमाया है। हाँ? अच्छा ये तो अच्छी बात। ओह बात तो सुन, एक शेर और सुनता जा, कमाल होगी। अबे गरीबों की सुनता कौन है? ओहो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। की हुआ? दिमाग खराब करके रख दिया। ओ हेलो, पहले कौन सा ठीक चल रहा था? भाई देखो तुम अब पकाना मत शुरू कर देना। मैं तो खाना इतनी मुश्किल से पकाती हूँ, पता नहीं है आपको? अरे मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, गुलफाम फ्राई दिमाग खाता है ना? वो खाता नहीं है, कर देता है भेजा फ्राई। मैं उन बड़े मियाँ की बात कर रहा हूँ जो अंदर मुझे टकराए थे और पका रहे थे। क्या तुझे तोड़ के हंडिया में डाल दिया था? उसने मुझे शायरी सुना सुना कर बिन्नोट कर दिया। बिन्नोट क्या मतलब? शायरी सुना सुना के आप नजर आ रहे थे उसको? हालांकि मैंने जाहिर होने का मंत्र भी नहीं पढ़ा, फिर भी मुझे आवाज दे के रोक लिया। ये बहुत अच्छा हो गया कि हम उनको नजर आ रहे हैं, डरेंगे तो सही ना कम अज कम? मुझसे तो नहीं डरे, हो सकता है तेरी शक्ल देख के चीखे निकल जाए उसकी चीखे। ना मैं तुम्हारी बहन की तरह भयानक नहीं हूँ, समझे? उसने कोकाफ में ना बदसूरती में झंडे गाड़े हुए। तुम्हारे गुलफाम ने ना तुम्हारे खानदान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, वो तो अलग से कुछ पैदा हुआ है। खबरदार जब मेरे अपराध के बारे में कोई बात की आपने। मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ तुम्हारे और गुलफाम के खिलाफ। जिन बनो इंसान न बनो। बढ़िया, ये निकम्मे जिन की हिमायत करने वाली। ए भाई, ए भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओहो तू भी यहीं रहता है क्या? मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तो मैं कोई लंगड़ा लूला नाबीना हूँ जो तुम मुझे दिखाई दे दोगे? क्यों
मैं थका हुआ नहीं हूँ भाई। अरे शायरी तो सुनो। शायरी? हाँ, हम बहुत मशहूर शायर हैं, मिर्जा चिंगारी। चिंगारी? अब तो बुझ गई शायद। अरे अभी हम में इस कदर चिंगारियाँ मौजूद हैं कि हम महफिल में आग लगा दें। मैं भी महफिल में आग लगा सकता हूँ। शायरी से? नहीं, माचिस से। अरे आग लगाओ आग लगाने को, हम यहाँ ख्वार बैठे हैं शायरी सुनाने को। अरे सुनो है शायरा, मैं अभी अभी बड़ा लंबा सफर करके आया हुआ। अरे लंबा सफर क्या, फीते से नाप नाप के किया है, कैसे थके? अरे नहीं, मैं उड़ता हुआ गया था ना। क्या किसी ने टोप में रख के छोड़ दिया? मैं बम का गोला नहीं हूँ, मैं जिन हूँ जिन। अरे तुम जिन हो या इंसान, बस हमारी शायरी सुनो, हमारे मुंह में ना खुजली हो रही, खुजली। आप मुंह खोल के खुजाए, मैं अभी आया। सुनो सुनो, अर्ज किया है, रात दीवार से जो किसी का मुंह निकला, मैं तो डर गया कि तेरा मुंह फिटे मुंह निकला। चलो किसी बारे में से डरे तो सही। अरे डरा नहीं, खुश हुआ हूँ, तुम्हारे लिए एक और शेर कह रहा हूँ। मैंने जो कहा वो सब पा लिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। अभी बताता। अरे वाह वाह, मजा आ गया। मकरन 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 निकल गुलफाम। हाँ भाग गया, अभी तो मेरे सामने था, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऑडियंस भागे क्यों जा रही है। कौन है भैया? दुरा भाई डर गए? नहीं, मैं समझा वो पकाऊ शायर आ गया। अरे भाई उसी से डर के भागा हूँ, शेर सुना सुना के कान पका दिए। तू मेरा सूट लाया कि नहीं? हाँ बाजी लाके है, पर ये आमिर क्या चीज लाया है? बड़ा पकाऊ बूढ़ा है वो, अबे हम नजर भी आ रहे हैं फिर भी नहीं डर गया वो। हाँ जब इनका आमना सामना हो ना, इनको सजा देना, सुधर जाएंगे। बाजी मैंने दूर खड़े होके उसको थप्पड़ लगाए, वो इंजॉय कर रहा था। किसने? तुमने? बाजी उन्होंने बोला मुकर्रर मुकर्रर। ए दुला भाई, ये मुकर्रर का क्या मतलब है? तेरा मकरू मुंह, मेरा मतलब है फिर से कहो। अब की बार मिले ना तो मुंह बंद कर देना उनका। तू ना कहती थी कि बुड्ढा बुड्ढी कोने में पड़े रहेंगे, उन्होंने तो हमें नुकरी लगा दिया। बाजी कपड़े चेक कर लेना, वो कह रहा था कि जिन्नात के कद हर महीने बढ़ते हैं। मैं चेक कर लूंगी, पहले मैं उस बुड्ढा बुड्ढी को चेक कर लूँ ना, फिर अच्छी तरह चेक कर। कहाँ है? कहाँ 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 है? अरे कौन कौन कहाँ है, सठिया गए हो तुम? अरे वो मेरे शेर सुन रहा था और शेर सुनते सुनते गायब हो गया, मुझे लगता है वो जिन है। अरे सठिया गए हो क्या? हाँ बराबर वाले कमरे से तो तुम्हारी आवाजें आ रही थी, दीवारों को शायरी सुना रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, जिन को, यहाँ दो जिन है उनको शेर सुना रहा था, गायब भी हो जाते वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिन को शायरी सुना रहा था, यहाँ कोई जिन में नहीं है। अरे जो बेटा बेकाम, मैंने उनसे बाकायदा गुफ्तगु की है और उन्होंने वाह वाह कह के ना दाद भी दी है मेरी शायरी पर। सुनो ये नींद में चलना कम कर दो, वरना मिर्जा चिंगारी की चिंगारी कम हो जाएगी नींद में किरकिरा के। अरे मैं तुमको कैसे समझाऊं, छोड़ो खैर हम उनको खुद ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा करो, फिलहाल एक शेर सुन लो हमसे, अर्ज किया है। अरे नहीं भैया नहीं नहीं, हमारे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है। अरे तो मैं कौन सा तुम्हारे दिमाग से 20 किलो आटे का ठेला उठवा रहा हूँ, बस शेर सुनने को कह रहा हूँ भाई। अरे शेर में भी तो वजन होता है कि नहीं? खैर आपकी बात में भी वजन है, है होता है होता है, मगर हम जिन्नात को ढूंढ के छोड़ेंगे, अपनी गजल सुना के छोड़ेंगे। हाँ उफ, ये तो हमें पागल करके छोड़ेंगे जिन्नात। अरे कोई है? अरे कोई है क्या? कोई है कि नहीं? अरे वाह वाह वाह, बल्कि अन्य वाह। लो जी अर्ज किया है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना ही मेकअप है ना ही बाल को संवार रखा है। मुझे इससे क्या गर्ज है? ये नहीं कहते, कहते वाह 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 मकरर मकरर मकरर। मुझे वाह वाह कहने में ना कोई दिलचस्पी नहीं, ना शायरी का शौक है। सुनने का तो होगा ना, वह गजल सुन लीजिए। क्यों? अरे मुझसे कोई इंसान सुनता नहीं ना। चलो फिर अर्ज किया है, नाच में ये शर्त है टेढ़ी कमर ना हो। अरे फिर गायब हो गए, हमें क्या भाई, हमें तो अपनी शायरी सुनानी है, कोई सुने न सुने मैं इन कंधों को दीवारों को वट्टों को सुनाऊंगा। और सुनो तो, और मेरी बात सुनो तो। तेरी ऐसी की तैसी तेरी मार। ओए ओए ओए, तू मुझको क्यों देता है इस तरह की फोर्स डालना, मुझको घुमा ये है तेरा मुंह कर लो। आ, 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 आ,
यस यस। सकते में है मरीज, उनका है ये ख्याल, कब्रों का ठेकेदार कहीं डॉक्टर ना हो। सनसनाती गुलफाम बचाओ। ओहो बचाओ नहीं, शेर सुनने के बाद वाह वाह करते हैं, दांत देते हैं, वाह वाह करो। अबे इस पे तो हमारा बनता है था था। जबान दे, इसका जुबान बंद कर दे। निकू मकाचा। बस शायरी सुना सुना के जान अदाब में डाल दिए, डिप्रेशन हो गया मुझे, डिप्रेशन। अरे थोड़ा भाई, मुझे तो लग रहा है किसी ने साजिश के तहत इसे हमारे पीछे छोड़ा है। उनको हम नजर भी आ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं डर रहे, ये बड़े खतरनाक बात। इस वक्त तो हमारी हालत तश्वीशनाक है। अबे उसकी शायरी सुन सुन के कान पक गए मेरे। कान वाले होंगे, कान पक गए। ये मेरे कान है को जामुन नहीं, पक के गिर जाएंगे नीचे। हमें इसकी बीवी से ना गल करनी हो। मैं कर लूं बात, मैं कर लूं। रहने दे, आज हम बाहर खड़े हैं। मतलब ये है कि उसको डराना चाहिए, वो डरेगी तो बड़े मियां नु नाल लेके जाएगी ना। मैंने उसका माउथ क्लोज कर दिया है, अब उसको देख कर डर तो जरूर जाएगी। सिवाय उस बड़ी बीवी से बात करने के अलावा कोई चारा नहीं। बाजी चारा चाहिए, हूं ही आया। चारे वाला, चारे वाला। अबे ये तो तेरा ब्रेकफास्ट है। तो मैंने आपका हाई टी मंगवा ली है। अरे क्या हुआ, क्यों मुंह कर रहे हो, गोंद खा ली है क्या? मेरा मुंह खुला है भाई। अरे किसी ने बांध दिया था? अरे जिन्नात को, हम उनको शायरी सुनाने थे, उन्होंने हमारा मुंह ही बंद कर दिया। अच्छा बस बस, फजूल बातें ना करो, जाके हमें कुछ पकाने को लाके दो। पकाने को लाके देंगे, मगर तुमको यहाँ अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे। अरे क्यों, मैं भाग जाऊंगी किसी के साथ इस उम्र में, हद हो गई। नहीं नहीं, कहीं जिन्नात बदले में तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए। अरे दिमाग खराब मत करो मेरा, कोई जिन भूत नहीं होते, ये सब वहम होता है। अरे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तो उनको देख ही रहा हूँ। क्या मतलब, अब इधर भी है क्या? नहीं नहीं, इधर तो दिखाई नहीं दे रहे। होंगे तो दिखाई देंगे ना। लागा अकलों पे दाग, बताऊं कैसे, लागा अकलों पे दाग, बताऊं कैसे। खुद के होगा अकल पे दाग, मेरी तो जिंदगी पे दाग लग गया इनसे शादी करके। आज किया है? आज किया है भाई, एक ना ये वो सुन के जाना पड़ेगा। सुनो, वो ये है कि जब भी देखोगे तुम आईना, खुद ही बोलोगे मेड इन चाइना। क्या मैं चाइना का बना हुआ? हाँ हाँ, पता करो, हो सकता है तुम चाइना का ही माल हो। अब 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 मैं पता करके आता हूँ। अरे ठहरो भाई, ये गजब तो सुन लो। अब पता क्या, मेरे कान में बड़ी दर्द हो रही है। दूसरा तो ठीक है ना, सुनो, हमारा मुतालबा हर तालिबे इल्म को एक तालबा। मैं क्या करूँ, मैं तालिबे इल्म थोड़ी हूँ, अगर मैं होता तो एक अदद तालबा मुझे मिल जाती बीवी बनाने के लिए। अरे दुल्हन पे भी एक शेर लिखा है। शेर क्या, किसी की दुल्हन पे ही लिख दिया? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमने दुल्हन के लिए कुछ लिखा। ओ किसी दुल्हन नहीं भाई, चल नहीं समझ लो। हाँ, सुनाओ सुनाओ। सूरत ऐसी कि दिल से निकली हाय, दुल्हन वो ही जो पिया मन भाए। हाय 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 हाय, ओहो खुदारा, शेर पे हाय हाय ना डालो, वाह वाह करो, वाह वाह, मकरर मकरर मकरर। आपकी तरह वो भी शायर है? ओए ये फिर भाग गया, आज तो ऑडियंस के पीछे तक जाऊंगा। सुनिए तो, अब मेरी बात सुनिए। ओए इस शेर में शायर कहता है, क्यों कहता है, उसको नहीं कहना चाहिए बल्कि उसको मर जाना चाहिए। अरे भाई वाह वाह वाह, बल्कि अन्य वाह, मकरर मकरर मकरर। बंद कर अपने डॉक्टर। डॉक्टर बोले मेंढक बाबू लड़ लड़ मर गए शहरी बाबू। अबे चुप कर जा डाकू, हमारे सुकून पे डाका मारने वाले, हमारे कान में इतने पड़ गए छाले। अरे वाह भाई वाह, ये तो शेर हो गया, हमारे सुकून में डाका डालने वाले, हमारे कान में पड़ गए कितने छाले। वाह वाह वाह, खुदा तुझे अजियत में डाले, तेरे मुंह पे पड़ जाएंगे ताले। भाई वाह, तुम दो तो बड़े वजन में बात कर रहे हो भाई। वादा भाई, मजा आ गया। बेगम सीधा सीधा बोलो, अगर ये चुप ना हुआ तो इसका सर खोलो। अरे तुम दोनों मेरी सोबत में रह रह के मुझसे बेहतर शायर हो गए हो। अरे भाई वाह वाह वाह, अन्ने वाह। नहीं, अरे अरे अरे, कौन हो तुम लोग और यूं मुंह उठा के कैसे आ गए?
भाई मुंह कहाँ रखते हैं, गर्दन से लगा हुआ बचपन से। ये मुंह उठाएंगे तो देखो लग पता जाएगा। हद हो गई, अजीब लोग हो तुम लोग। और कैसे आ गए यहाँ पे, क्या काम है तुम्हें? आप अपने शोर को समझा ले वरना। क्या छेड़ दिया तुम्हें? पता नहीं वो किस मिट्टी का बना हुआ है, किसी भी सजा का उस पर असर ही नहीं होता। जब देखो मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। अरे कैसी सजा, क्या कर दिया तुम लोगों ने उनके साथ? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि बिगाड़ सकते आपके शोर को, और बिगाड़ रहे हैं। बस शायरी सुना सुना कर हमारे कान पका दिए, काश हम बहरे होते। अरे उनकी आदत है तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। वैसे तुम लोग हो कौन? इस घर में रहते हैं कई बरसों से। इस घर में? हाँ इसी घर में, छत पे रहते, दीवारों पे रहते, पंखों पे रहते, जहाँ हमारी मर्जी रहे, इसलिए हमारा घर है ये। तुम क्या कब्जा माफिया ग्रुप में से हो जो यूं मुंह उठा के किसी के घर में दाखिल होगे? किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि किसी के घर जाने से पहले दरवाजा नॉक? तो वही लोग जिनको मैं नींद में सोए हुए दो, वो मैं इनको छाली चुनाता हूँ, कसरे चुनाता हूँ। पूरे ओछो आवाज में होते हो तुम, नाक में दम कर दिया हमारे। अरे ये है कौन? अरे ये जिन है जिन, इन्हीं को तो मैं छाली चुना रहा हूँ अपनी कब से। अरे क्या फेंकते हो, ये तो अच्छे भले इंसान है। लगता है यकीन दिलाना पड़ेगा। हाँ मैंने कहा था ना, देखो ये जिन है जिन। अगर यकीन नहीं करोगे ना तो वो असर करेंगे, सर पे पाँव रख के भागोगे। मुझे तंग करोगे, मेरा हशर करोगे? अरे जाओ जाओ, मैं नहीं डरती वरती किसी से। मैं यहीं रहूंगी यहीं, और तुम तीनों का हशर करूंगी, तुम्हारे सीने पे चढ़ के मूंग डालूंगी। कैसे? मिर्जा मिर्जा गजलें तैयार है क्या? हाँ तैयार है, 7-8 सुनाऊं अभी फेंकू।